हल्द्वानी में गंभीर सड़क हादसा हो गया जिसमें एक शिक्षक की मौत हो गई। इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े नंदौर में तटबंध मामले की जांच के निर्देश भी डीएम ने दिए हैं। हल्द्वानी में सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत के मामले में जिला अधिकारी वंदना सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत मामले में जांच करेगी, साथ ही विभाग के दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े नगौला नदी और नंदौर नदी में पहले ही बरसात में तटबंध बह जाने के मामले में भी जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा को जांच करने के निर्देश दिए हैं। जो सड़क पिछले दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई है कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है, उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।